हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। और मेरे हस्बैंड की भी अब पहले से थोड़ी ठीक है तबीयत, पहले से मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है दिन पे दिन, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे मैंने बताया कि 1 से 1.5 महीना लगेगा, तो बस धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कि जैसे मतलब शुरू में पेन रहता था बहुत ज़्यादा, तो अब उसमें थोड़ा थोड़ा आराम रहने लगा है, लेकिन उठने बैठने में अभी काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और बाबू गई है स्कूल और छोटा की करा दी थी आज मैंने छुट्टी, क्योंकि छोटा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रात, जुकाम खांसी और हल्का फीवर है उसको। तो खांसी बहुत ज़्यादा थी जो रात उसको करीब 2 से 2:30 बजे के करीब उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसको इतनी खांसी आ रही थी कि सांस भी नहीं लिया जा रहा था ठीक से। तो आज मैंने इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजा है। फिर तो उसका मन नहीं लग रहा है, तो वो बुआ जी के अपने फ़ोन से लगी हुई है, बुआ जी और फुआ जी के साथ लगी हुई है फ़ोन में। तो बार बार मुझे फ़ोटो दिखा रही है, आके फ़ोटो खींच रही है अपनी और बुआ जी और फूफा जी की, वही मुझे दिखाती है आके बार बार, क्योंकि वो जब अकेले रहती है घर पे तो बोर हो जाती है। वैसे ऐसे होता नहीं है कि अकेले रह जाएँ बाबू छोटा घर पे, अगर थोड़ी बहुत भी मतलब तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो भी मैं भेज देती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने नहीं भेजा। तो बस मैं लगी हूँ लंच की तैयारी करने, और लंच में आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, पका हुआ कद्दू और खीर, साथ में पूड़ी और रायता। तो लेकिन छोटा को तो मैं रायता नहीं दूंगी, और बाकी सब खा लेंगे। और इनके लिए भी ना इनको खीर दूंगी मैं हस्बैंड को, ना रायता दूंगी और ना ही पूड़ी दूंगी, बस सब्ज़ी के साथ में, क्योंकि कद्दू इनको और बाबू छोटा को इतना ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में मतलब ज़्यादातर सबको ही कद्दू इतना ज़्यादा पसंद है, ये पूड़ी और कद्दू सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जब भी कोई आता है तो ऐसा होता नहीं है कि कद्दू पूड़ी ना बनाऊँ मैं, हमेशा यही होता है कि जब भी कोई आता है तो कद्दू पूड़ी ज़रूर बनता है। तो बस खीर के लिए मैं डाल रही हूँ खीर में ड्राई फ्रूट्स थोड़े से, जैसे थोड़े से डाल दिए मैंने मखाने, और थोड़े से डाले हैं किशमिश, और थोड़े से डाले हैं खरबूजे की मींग होती है वो, और थोड़ा सा डालूंगी नारियल। तो नारियल को मैं कर लूँगी मिक्सी में बारीक बारीक, क्योंकि अगर कद्दूकस करते हैं इसको तो काफ़ी टाइम लगता है और हाथ वाथ में लगने का डर रहता है, तो मैं कद्दूकस नहीं करती हूँ, इसको मिक्सी में ही पीस लेती हूँ, तो काफ़ी बारीक हो जाता है और अच्छा भी टेस्ट आता है और पता भी नहीं चलता। तो बस मैं कर लूँगी जल्दी से खाना बना दूँगी, और तब नहलाऊँगी मैं छोटा को बाद में। मैंने छोटा को मना भी किया था नहाने के लिए, लेकिन वो बोल रही है कि नहीं थोड़ी देर से नहला देना मम्मा, अभी नहीं लेकिन नहला देना, क्योंकि नहाना इनका बहुत ज़रूरी है। तो इतने गर्म भी हो जाएगा पानी, क्योंकि धूप आजकल इतनी तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी गर्म हो जाता है अपने आप ही बाद में। तो पानी भी गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा नहला दूँगी, थोड़ी मतलब फ्रेशनेस आ जाती है, बीमार रहते हैं तो और ज़्यादा बेकार लगता है बिना नहाए। तो पहले मैं कर लूँगी मतलब बना के रख दूँगी लंच, जैसे कि अब मैं बोलती भी हूँ साथ में खाने के लिए तो कोई नहीं खाता ऐसे, सबका यही फरमाइश होती है सबकी कि सब साथ में ही खाएंगे। और बाबू भी आ जाएगी इतने, बाबू मतलब 2 बजे आते हैं बच्चे, तो 2:15 बज जाते हैं, लेकिन आ जाएंगे इतने इतने हल्का फुल्का खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो बाकी सब लंच साथ में ही कर लेंगे। बाबू भी आ जाएगी और रायता बनाऊँगी मैं बाद में ही, क्योंकि रायता फिर अगर बर्फ़ डालूँगी तो वो नुकसान करता है, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के मैं साथ के साथ बना लूँगी। और यहाँ दूध थोड़ा सा कम रह गया था खीर में, गाढ़ी हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया है। तो बस मैं कर लेती हूँ जल्दी से, बाकी का लंच भी तैयार। खीर बन गई है, तो खीर उठा के रख दिया मैंने एक तरफ, क्योंकि खीर बनाई थी कुकर में, थोड़ी ज़्यादा बनाई थी तो कुकर में बनाई थी, इसलिए मैंने ना तो कढ़ाई में बनती ना भगोने में। और सब्ज़ी मैंने लो फ्लेम करके दूसरी गैस पे रख दी है, उधर मैं सेक लूँगी पूड़ी, पूड़ियाँ सेक के मैं सारी ढक के रख दूँगी, गर्म रहेंगी, मुलायम भी रहेंगी। सब्ज़ी छौंक के तुरंत आटा मल के रख देती हूँ। तो जब तक रोटी बनाओ या पूड़ी बनाओ, आप जो कुछ भी बना रहे हो, तो काफ़ी अच्छी बनती हैं, आटा अच्छे से फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल। तो बस मैं इधर पूड़ियाँ बना के रख दूँगी, और हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनाऊँगी मैं तभी जब वो खाएंगे गरम गरम,
क्योंकि एक या दो तो रोटी मुश्किल से खाते हैं वो, और फिर वो भी मैं अगर बना कर रख दूँ तो वो भी नहीं खाई जाएंगी, कैड़ी हो जाएंगी, तो तभी गर्म गर्म बनाऊँगी। और घी वगैरह लगा के मतलब भी नहीं खाते हैं, अगर घी लगा के रख दो तो भी मुलायम रहती हैं, तो बस ऐसी सूखी खाते हैं मतलब बिना चुपड़े बिना घी लगाए। तो बस मैंने कर लिया है, हम भगोने में रखूँगी पूड़ियाँ, क्योंकि हॉट केस में मैंने जमाई थी दही, तो हॉट केस में दही रखी हुई है, तो उसको नहीं खिलाऊँगी मैं अभी, अगर खिला के रख दूँगी तो वो बेकार हो जाएगी। और तो मैं भगोने में रख दूँगी, बड़ा भगोना है ये, तो बस मैं सेक के रख लेती हूँ जल्दी से पूड़ियाँ। और छोटा हो रही है यहाँ पे बोर, वो बार बार मुझसे पूछ रही है आके कि दीदी कब आएगी, दीदी कितनी देर में आएंगी, बार बार पूछ लेती है आके, और फिर मेरे काम के लिए भी पूछती है कि आपका काम कब ख़त्म होगा, क्योंकि जब मैं अभी काम में लगी रहती हूँ तो भी वो बोर हो जाती है, उसको मतलब साथ में ये चाहिए, फ्री चाहिए कोई भी, चाहे मतलब कोई भी हो, चाहे पापा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दीदी हो, उसको फ्री चाहिए जो उसके साथ बात करती रहे और खेलते रहे उसके साथ, तो बस यही चाह रही है वो, बार बार कई चक्कर लगा चुकी है, बार बार आती है, तो बस मैं यही बोलती हूँ कि थोड़ी देर और थोड़ी देर और, तो बार बार यही कहती है कि थोड़ी देर करके आप बहुत देर हो गई, आप कब फ्री हो गए, कब ख़त्म होगा आपका काम, अब ये देखो कि टाइम तो लगता ही है, आप खाना वगैरह बनाओ या कुछ भी करो तो टाइम तो लग ही जाता है, सुबह सुबह का काम तो वैसे भी ऐसा ही होता है, बिज़ी वाला टाइम होता है बिल्कुल। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ, ताकि उसका भी ध्यान रखूँ थोड़ा, उसको नहलाऊँ और दवाई वगैरह दूँ उसको। पूड़ियाँ अगर मैं साथ के साथ खिलाती हूँ तो मैं एक एक बेलती रहती हूँ और एक एक सेकती रहती हूँ, लेकिन अगर जब मुझे बना के रखनी होती है तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि सारी पहले बहुत सारी मतलब लोइयाँ बना लेती हूँ, और फिर उसमें से चार चार पांच पांच बेलती रहती हूँ और फिर सेकती रहती हूँ, उनको ढक के रखती रहती हूँ, ताकि पूड़ियाँ भी गर्म रहें, ठंडी ना हों, सूखे ना, और काम भी मेरा जल्दी जल्दी होता रहे, क्योंकि अगर एक एक बेलो एक एक सेको तो कढ़ाई का तेल भी मतलब जल्दी गर्म होता है और जल्दी ख़त्म होता है। इतने फिर मैं चार पांच पूड़ियाँ और बेल लेती हूँ तो वो फिर गर्म हो जाता है, फिर से एक लेती हूँ जल्दी सिक जाती हैं, तो बस ऐसी करके मैं ज़्यादा जब पूड़ियाँ या मतलब बनानी होती हैं तो ऐसे काम करती हूँ, तो जल्दी भी काम होता है बहुत जल्दी। पूड़ियाँ हो गई हैं हमारी बनके तैयार, सारी फूली फूली पूड़ियाँ बनी हैं, तो आ जाइए फ्रेंड्स आप भी, खीर पूड़ी और कद्दू और रायता साथ में आ जाइए, आप भी खा लीजिए। किचन भी हो गई है हमारी साफ़, और जो बर्तन वगैरह हैं थोड़े से वो भी मैं साफ़ करके रख दूँगी अभी, तो किचन से फ्री हो जाऊँगी अभी, और जब खाना खाएंगे तब होंगे बाकी के बर्तन। तो इतने में सब्ज़ी में डाल दूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, बहुत हल्का डालूँगी, तो गर्मी है, गर्मी में ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, तो बहुत हल्का डालूँगी, और वैसे भी मैंने घर पर बनाया हुआ है ये, तो थोड़ा सा गर्म मसाला डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर भी मैंने घर पर बनाया हुआ है, मैंने बताया भी था, ये आमी सुखाई थी मैंने तब उसको बनाया है घर पर, सब्ज़ी बन चुकी है, बस उसको थोड़ा सा मुझे क्या है मैश करना है अच्छे से, क्योंकि सूखा होता है कद्दू तो जल्दी से गलता नहीं है, और फिर थोड़ा पीस वगैरह पीस से रहते हैं इसके, तो इसको मैश कर दूंगी मैं, तो फिर अच्छा लगता है। सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है, तो मैंने मसाला डाल गरम मसाला और अमचूर पाउडर डाल दिया है इसमें, बाकी मसाले मैंने पहले ही डाल दिए थे जब सब्ज़ी छौंकी थी, तो बस मैं इसको खिला के रख दूँगी,
और सारे सब्जी वगैरह सब खला के रख दूंगी। पूड़ियाँ भी एक बर्तन में करके रख दी है, खीर कुकर में ही रखी रहने दूंगी क्योंकि इतना बड़ा बर्तन कोई और है नहीं मेरे पास जो मैं खीर को खला के रख दूँ। और बस अब मैं छोटा को नहलाऊंगी जाके। और फ्रेंड्स ब्लॉग का करेंगे हम यहीं एंड, मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।